क्या खबर कितने तारे गीले चुभ गए, क्या खबर कितने तारे गीले चुभ गए, क्या खबर कितने तारे गीले चुभ गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी अल्लाह। अल्लाह सल्ले अला सैयदना व सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, बड़ा आपकी आवाज उठे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उनकी महफिल दिल के ऊंच खिला दिए है, जिस राग चल गए हैं ऊंचे बसा दिए है, उनके निदार कोई कैसे गिरंज में है, उनके निदार कोई कैसे गिरंज में है, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, अल्लाह की क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए, सारे ऊंचा में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचा में ऊंचा समझिए जिसे, है ऊंचा से ऊंचा हमारा नबी बाबा से बोलन अल्लाहुम्मा फरनो बदली रसूलों की होती रही, करनो बदली रसूलों की होती रही, करनो बदली रसूलों की होती रही, अल्लाह सलामत रखे। ये दुरूद पाक पूरे इंडिया में लोग पढ़ने लग जाएं, इसी ढंग से पढ़ने लग जाएं, इनकलाब आएगा, चूंकि हर दर्द की दवा है सल्ली अला मुहम्मद, हर मर्ज की शफा है सल्ली अला मुहम्मद, जो मर्ज ला दवा हो उसे खोल कर पिला दो, क्या नुस्खा शफा है सल्ले अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मुहम्मद, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है वो अच्छों से अच्छा हमारा नबी अल्लाह।
पढ़ोगे दिल से जो ये सुबह मसा दुरूद शरीफ, तो खुद सुनेंगे रसूल खुदा दुरूद शरीफ। नबी तो कब्र में पढ़ने लगा दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील काबुल ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरी दुआ से आए तेरी दुआ से आए तेरा ही से है बरी है राह मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, जोर से और जोर से जरा मस्ती में हाथ उठाएं और कह दे या रसूल अल्लाह। कौन देता है दे को मोचाहिए, लम याद नजीर अभी नजर बिदले तू न शुद पैदा जाना, जग राज पताज तरे सरसु है तुझको शगे दूसरा जाना। अलबहर अला वल मौज तगा अलबहर अला वल मौज तगा मन में कस तूफा हो शरबा मजधार में हो बिगड़ी गगवा मरी नैया पार लगा जाना। अनबियत शिव सखा का तुम आएगे तू बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे इंतजार ना करना पड़े, बस आपका काम आप करिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। ठीक है, कौन देता है दे को मोचा दिए, कौन देता है देने को मोचा दिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। خلق سے اولیاء خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اور زور سے سبحان اللہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اللهم صل
ना मोहम्मद सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजे के हैं गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजे के है गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजे के है गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजे के है बेकसों का सहारा हमारा नबी पढ़िए अल्लाहुम्मा बहुत शुक्रिया। मैं एक मतला और एक शेर पढ़ता हूँ। करम मता नवादिश मुझे ये एक मतला एक शेर मुझे बताएगा कि मैं कितनी देर आपकी खिदमत करूँ। अच्छा, चूँकि मैं शायद पढ़ते तो मैं रहूँ और पढ़ता रहूँगा इंशाल्लाह, मर जाऊँगा तो भी पढ़ता रहूँगा। मेरी आदत है, शायद आपको पता नहीं हो, चूँकि मैं यहाँ जब आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इन लोगों ने मुझे कोई बच्चा लड़का पकड़ के लेके आया है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। हाँ, ऐसा लगा जैसे कोई मदरसे का तालिब इल्म है जो इन लोगों की खिदमत के लिए हाजिर आया। जबकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं स्टेज की दुनिया जितनी मेरी है उतनी इनकी उम्र है, जितनी मेरी स्टेज की दुनिया है उतनी इनकी उम्र है। मैं 26 साल से नाज शरीफ पढ़ रहा हूँ, मुझे अच्छा खासा तजर्बा है इस बात का। मैं एक मतला और एक शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बत के साथ मिला जाता है। करम मता नवाजिश। हर गली गोरो दो से हर गली गोरो दो से अल्लाह जाने प्यारे आका किस गली से नात पढ़ा कीजिए। अगर ये सोच के आप नहीं पढ़ेंगे कि कल मजाक उड़ाएगा लड़का लोग मेरे अगल बगल जो है, बोले काबे कल तो पूरा शायर बन गया था तुम। हाँ, ऐसा मजाक उड़ा सकता है, लेकिन ऐसे लोगों से कभी कतराना नहीं चाहिए। हो सकता है कि जो मजाक आपका उड़ा रहा है अल्लाह को अगर नागवार गुजर गया तो उसका मजाक उड़ जाएगा, उसका उड़ जाएगा जो किसी नात पढ़ने वाले का मजाक उड़ा रहा है।
चूंकि नात पढ़ना ये सिर्फ दिलबर शाही का काम नहीं है जी, जी। नात हर कोई पढ़ सकता है बेशक बेशक। अरे नात तो इंसान तो इंसान है, जो जानवर है वो भी नबी की नात पढ़ते हैं। अरे बाबा जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अच्छे लोग बैठे हैं, मैं अगला शेर पढ़ता हूँ आपकी दुआ से। दुई बार मदीने शरीफ की हाजिरी हुई, मैं एक शेर पढ़ता हूँ, अगर दिल को लग जाए तो मुझे यकीन दिलाना, और जितने भी रिकॉर्डिंग करने वाले हो वो लोग भी सुभान अल्लाह कहो तो माहौल बने तो कुछ और पढ़ा जाए, और अगर माहौल ना बन पाए तो आपका रिकॉर्डिंग वैसे ही रहेगा और ना कोई सही रिस्पॉन्स मिल पाएगा। इसलिए आप पर भी ज़रूरी बनता है कि आप अपने चैनल के लिए कुछ ना कुछ कीजिए, जब आप रिस्पॉन्स करेंगे तब आपको अच्छा अच्छा कलाम मिल सकता है, वरना हम जानते हैं जैसा तेरा दाल भात वैसा मेरा फातिया। घर से जाने बेतेबा, घर से जाने बे माशाल्लाह माशाल्लाह। हवा मनोवर फजा मुअत्तर, हवा मनोवर फजा मुअत्तर, फरिश्ते जन्नत से आ रहे हैं। आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस में आप हजरात तशरीफ रखते हैं, मैं मतला हाजिर करता हूँ, मोहब्बत के साथ मतला मुलाहजा करें। सारा मजमा अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा ये कलाम में मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। अगला शेर मोहब्बत के साथ मुलाहजा करें। उन्हीं के कब्जे में बाग जन्नत, मैं इंतजार कर लूंगा। उन्हीं के कब्जे में बाग जन्नत, बहुत शुक्रिया।
उन्हीं के कब्जे में बाग जन्नत, उन्हीं की जारी है बादशाह। उन्हीं के कब्जे में बाग जन्नत, उन्हीं की जारी है बादशाह। कितने जज्बे से हमारे भाई ने नारे के लिए हाथ उठाया और खड़े हुए। उनके दिल से पूछिए, जब रिस्पॉन्स नहीं मिला तो कितने कैसा लगा होगा। हाँ भाई, आप भले अगर आप बहुत शांति से सुनते हैं, बहुत इत्मीनान से आप सुनते हैं, तब तो मुझे नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि मैं पानी मांग रहे। पानी दे दो बाबू, जल खावे जल। हाँ जल नहीं जाओ। एक शेर और मैं पढ़ता हूँ आपके खूबसूरत समातों के हवाले। एक आखिरी शेर करता हूँ, मोहब्बत के साथ मुलाहजा कर ले। हलीमा दाई का घर आंगन, एक बार कह दे या रसूल अल्लाह। देखो कई ऐसे लोग हैं जिनके हाथ ना उठे। या रसूल अल्लाह के नारों से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारों से हमको। ये TTS कमेटी है माशाल्लाह, TTS, अल्लाह सलामत रखे। या रसूल अल्लाह के नारों से हमको, ऐसे ही होता है। या रसूल अल्लाह के नारों से हमको, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। तो आप जानते ही हैं, और जानने के बाद भी आप चुपचाप हैं, तो ये थोड़े से मुश्किल सवाल है। अच्छा नहीं, गौर से मत सुनिए, हमको गौर से मत सुनिए, औरों को सुनिए। हम गौर से सुनाने के लिए हमें रिस्पॉन्स चाहिए होगा। अगला शेर पढ़ता हूँ।